यहाँ पर जैकफ्रूट प्लांटेशन हो रहा है। ये इज़ माय सन खुर्शाद। बच्चों को एग्रीकल्चर में उतना ही इंटरेस्ट होना चाहिए जितना बाकी की फील्ड्स में होता है। ज़मीन से जुड़ा हुआ रहना चाहिए। ये जो फनस है ये भद्रावती वैरायटी है। वेरी स्वीट एंड वेरी टॉल, सूटेबल येलो, येलो इन कलर, सूटेबल फॉर ड्राई एरिया एंड 15 प्लस वेट केजी, 15 केजी प्लस का इसका वजन कम से कम इसका जैकफ्रूट के फ्रूट का होगा। डॉक्टर वेणुगोपाल जी के मार्गदर्शन में अस्मिता ऑर्गेनिक फार्म पर ये स्पाइस गार्डन तैयार हो रहा है। ये जायफल जावित्री का प्लॉट है। 5 मीटर बाय 5 मीटर पे जायफल जावित्री लगी है और 30 फीट बाय 30 फीट पे डिफरेंट वराइटीज ऑफ जैकफ्रूट लग रहा है। और 2 साल के बाद इसके ऊपर जो है ब्लैक पेपर लगेगा, काली मिरी लगेगी। डॉक्टर साहब स्पीक समथिंग ऑन दिस ऑन विदर्भ स्पाइसेस एंड फ्रूट्स एंड पल्सेस। So now this area is known for the land of orange, then sweet lime and many other products. But some of the potentiality this area it has not realized. So here we are introducing other fruits like jackfruit, which is highly suitable for organic farming. No need of any pesticide, no need of any fungicide or even insecticides, and is a very healthy the fruit, jackfruit, full of antioxidants and all the good qualities of all the fruits, it is there in this fruit.